हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन सेंटर पे। आज के क्लास में हम डाटा इंटरप्रिटेशन का जो भाग देख रहे थे पाई चार्ट, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। पाई चार्ट के पहले क्लास में आप लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन को, यानी कि 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम फिर उससे आगे के क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और फिर देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो है पाई चार्ट से आ रहा है, और पहला क्वेश्चन क्या है जरा गौर करिएगा। दिए गए वृत्त खंड में एक नगर में एक मकान के निर्माण में किए गए खर्च को दर्शाया गया। एक मकान के निर्माण में किए गए खर्च को दर्शाया गया है, इसका अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यह भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। यह क्वेश्चन 2012 के SSCLDC में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट है और इसमें जो वृत्त खंड दिए गए हैं, इसे आपको अध्ययन करना है, इसका एनालिसिस करना डाटा का, और इससे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इन क्वेश्चनों का अध्ययन करके हमें कुछ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसे इनका जवाब देना। हमने पहले भी आपको बताया था DI में आपके जो पूछा जाता है आपको या तो पाई चार्ट से रहता है, या लाइन ग्राफ से रहता है, या बार ग्राफ से रहता है। तो आज हम जो देख रहे हैं वह पाई चार्ट को देख रहे हैं, और कितने टाइप का DI होता है, कौन कौन सा DI होता है, किस DI में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यह पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ जो है आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि वृत्त आरेख में एक नगर के में एक मकान के निर्माण के खर्च को दर्शाया गया है। अब एक नगर में एक मकान का निर्माण किया गया, उस मकान पे किन किन मदों पर खर्च किया गया यहाँ दिखाया गया है। देखिए पहला जो है हमें दिखाया गया सीमेंट पे जो खर्च की गई राशि है वह 72 डिग्री है। सीमेंट पे कितना है 72 डिग्री। इसके बाद ईट पे 54 डिग्री, ब्रिक्स। ब्रिक्स पे जो है 54 डिग्री है, सीमेंट पे 72 डिग्री, ब्रिक्स पे 54 डिग्री की राशि खर्च की गई है। एसेट्रा पे 108 डिग्री, विविध खर्च जिसे कहते हैं एसेट्रा, इस पे जो है 108 डिग्री की दिखा रहा है। और लेबर जो है 90 डिग्री, लेबर चार्ज जो है वह 90 डिग्री है, लेबर पे खर्च की गई राशि 90 डिग्री है। और फिर इस्पात स्टील पे जो है 36 डिग्री, स्टील पे की गई खर्च कितना डिग्री है 36 डिग्री है। देखिए एक वृत्त खंड में एक नगर है जहां नगर में कोई व्यक्ति अपना मकान बनाया होगा, और उस मकान पे जो है विभिन्न मदों पे खर्च किया गया, किन मदों पे खर्च किया गया है। तो ब्रिक्स यानी ईंट पे जो खर्च की गई वह 54 डिग्री है, सीमेंट पे 72 डिग्री है, स्टील पे 36 डिग्री है, लेबर कॉस्ट 90 डिग्री है, और एक्सेट्रा पे 108 डिग्री खर्च किया गया। और हमें यहाँ क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वह क्वेश्चन है कि बताएं कि सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है, बताएं कि सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत क्या है। यहाँ हम DI का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं किन भागों में खर्च किया गया है। एक्सेट्रा पे 108 डिग्री का खर्च किया गया है, ब्रिक्स पे ईट पे जो है 54 डिग्री का खर्च किया गया है, सीमेंट पे 72 डिग्री का, स्टील पे 36 का, और लेबर कॉस्ट 90 डिग्री का है। सबसे ज्यादा हम खर्च जो देख रहे हैं वह विभिन्न मदों पर है, एक्सेट्रा पे वह कितने डिग्री का है 108 डिग्री का है। तो पूछा है कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा नहीं सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत इसमें है, तो सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत किसमें है एक्स्ट्रा पे कितना परसेंट है भाई। क्योंकि यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आपको टोटल राशि दिया हुआ है, अगर टोटल राशि है तो भी ठीक, राशि नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे ज्यादा खर्च का प्रतिशत किसमें है। तो सबसे ज्यादा यहाँ देखिए केंद्र कोण की माप किसमें है, सबसे ज्यादा केंद्र कोण की माप 108 डिग्री का है जो एक्सेट्रा पे है। तो डायरेक्ट यहाँ निकाल देते हैं एक्सेट्रा का परसेंटेज ऑफ एक्सेट्रा, अदर पे कितना खर्च किया जा रहा है, कितना कर रहा है 108
कितने में 108, कितने में टोटल केंद्रीय कोण होता कितना है सेंटर पे 360 डिग्री 108 डिवाइड बाय क्या 360% लाने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंट लाने के लिए क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई किया अब ये किस में आ जाएगा आपका परसेंट में आ जाएगा। चलिए 36 को 3 बार गुणा करिएगा तो 108 आता है और 36 को यहां 10 बार फिर ये जीरो और ये जीरो कट गया 10 गुना 3 कितना परसेंट हो गया 30%। तो सर्वाधिक खर्च की गई राशि एक्सेट्रा पे कितना परसेंट है पहला क्वेश्चन का जो आपने रखा आगे 30%। तो सबसे ज्यादा जो राशि उन्होंने खर्च किया वो एक्सेट्रा पे किया और कितना परसेंट किया है 30% किया। देखिए दूसरा क्वेश्चन है इस्पात सीमेंट तथा ईंट पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है। क्वेश्चन क्या है इस्पात सीमेंट तथा ईंट पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है। पुनः सुने इस्पात पे जो है किए गए खर्च स्टील पे लिख देते हैं स्टील पे इस्पात सीमेंट और ईंट पर किए गए खर्च का अनुपात क्या है। ईंट पर किए गए खर्च का अनुपात पूछा है किस पे स्टील पे सीमेंट पे और ब्रिक्स पे किए गए खर्च का रेशियो क्या है। तो हमने पहले ही बताया था कि रेशियो में जब भी जाना हो या परसेंट में जाना हो तो टोटल अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। टोटल अमाउंट से हमें कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। स्टील सीमेंट और ब्रिक्स पर किए गए खर्च का रेशियो चाहिए तो जो केंद्रीय कोण की माप है जो माप दिया है यहाँ कोण का उन कोणों को आप लिख लें। स्टील के लिए 36 डिग्री यहाँ क्या लिखेंगे हम 36 रेशियो का चिन्ह डालेंगे। इसके बाद सीमेंट पे 72 और फिर ब्रिक्स पे 54 इन तीनों को लिखना है और फिर अगर कटता है तो आप इसे क्या करिएगा कटा दीजिएगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन हमारा था स्टील सीमेंट और ब्रिक्स पर किए गए खर्च का अनुपात। स्टील सीमेंट ब्रिक्स देखिए 18 के टेबल से कट रहा है 18 × 36 18 × 4 72 और 18 × 3 इन तीनों मद पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है 2:4:3। देखिए यहाँ क्वेश्चन के लिए भी हमें टोटल धनराशि की कोई आवश्यकता नहीं है। उस व्यक्ति ने अपने मकान बनाने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की इस क्वेश्चन से हमें कोई भी लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ रेशियो में निकालना था। क्या रेशियो में निकालना था कि वह मकान जो तैयार हुआ है उस मकान के तैयारी में इस्पात सीमेंट और ईंट पर किए गए खर्च का अनुपात। कहने का मतलब है इस्पात सीमेंट और ब्रिक्स पर जो खर्च किया गया वह किसमें है 2:4:3 में। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या आ रहा है वह देख रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कुल खर्च का कितना भाग मजदूरी में खर्च हुआ है। कुल खर्च का कितना भाग किसमें मजदूरी में। देखिए लेबर कॉस्ट कितना आ रहा है 90 आ रहा है और यहाँ रेशियो ना पूछ के ना परसेंट पूछा गया ना रेशियो में पूछा गया है पार्ट में पूछा गया है भाग में पूछा गया है कि कुल खर्च जो की गई है राशि उसका कितना भाग लेबर कॉस्ट में इन्वेस्ट हुआ है। तो लेबर में कितना हुआ है 90 हुआ है लेबर में 90 डिग्री का भाग कब 90 का जब टोटल कितना है 360 पार्ट में। जब भाग में लाना हो तो हिस्सा हमेशा एक होता है एक से गुना करने की आवश्यकता नहीं है एक से गुना करेगा तो कोई चेंजेस भी नहीं आएंगे। तो जब भाग में पूछा जा रहा हो तब जो है आप कौन का माप यानी जिस भाग का पूछा गया जिसका हिस्सा पूछा गया उसके द्वारा वृत्तखंड पे बने कौन की माप को लिख देना है टोटल कितना 360। अगर परसेंट में कहता तो 100 में गुना करते परसेंट में तो है नहीं भाग में है बस इतना ही करके आपको छोड़ देना है। कितना हिस्सा हो गया 1/4 कितना भाग 1/4 भाग यानी अगर वह टोटल 100 रुपीज खर्च कर रहा है तो उसका 1/4 भाग वह कहां खर्च कर रहा है लेबर अरे टोटल कुल हिस्से का 1/4 पार्ट वह लेबर में इन्वेस्ट कर रहा। चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस टाइप का आया हुआ है। चौथा क्वेश्चन है इस्पात तथा ईंट पर हुआ कुल खर्च समस्त खर्च का कितना परसेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है इस्पात तथा ईंट पर हुआ कुल खर्च स्टील पे है 36 डिग्री इस्पात तथा ईंट पर हुआ कुल खर्च। तो
तो दोनों को जोड़ देते हैं स्टील प्लस ब्रिक्स, दोनों पे कितना हुआ स्टील पे 36 स्टील पे जो है 36 है और ब्रिक्स पे जो है 54 है। इन दोनों भाग को हमें क्या करना ऐड कर देना, हमें देखना है कि स्टील और ब्रिक्स पे कुल कितना खर्च हुआ है। तो हमने क्या किया स्टील और ब्रिक्स का जो कौन का माप था दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमें क्या देता है 6, 4, 10, 5, 3, 8, 1, 9 कितना आ गया 90। और क्वेश्चन क्या था हमें इस्पात था इस पर हुए कुल खर्च समस्त खर्च का कितना परसेंट है, तो 90 डिग्री दोनों मिलके खर्च हुआ, इसे परसेंट में लाना है परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस, कुल कितना परसेंट इस पे खर्च हुआ है 90 हुआ है खर्च कितने में टोटल केंद्रीय कोण की माप कितना 360। अगर टोटल 360 डिग्री है इसमें से 90 डिग्री का भाग जो है किसके लिए है इस्पात के लिए और ईट के लिए, परसेंट लाने के लिए 100 से यहां क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, चार बार में ये कट गया और ये 25 टाइम्स। तो देखिए इस्पात पे और ईट पे जो खर्च हुआ है कुल खर्च का 25% है, तो इस्पात और ईट पे जो खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितना परसेंट है 25% है। और पांचवा क्वेश्चन इस साल जो आया हुआ था वह पांचवा क्वेश्चन आपको क्या था कि कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है। देखिए पांचवा क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड है, कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है, यानी टोटल खर्च जो है उसका एवरेज अगर देखा जाए तो वह एवरेज खर्च किस मद के बराबर है, तो एवरेज एक्सपेंस हम निकालते हैं पहले एवरेज एक्सपेंस। देखिए अगर हम सबको आपस में जोड़ें तो 360 होगा, तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, टोटल 360 लिख दीजिए और कुल कितने भाग में खर्च हुआ वो देख लीजिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और ये पांचवा भाग, यानी कुल पांच भाग में यहाँ खर्च कर रहे हैं, तो 360 में डिवाइड किससे करेंगे 5 से करेंगे, 360 में 5 से भाग देंगे ये 72 आएगा। अब हमें यह देखना है कि 72 डिग्री का केंद्रीय कोण का माप किसके बराबर है। देखिए 72 डिग्री हमें कहां दिख रहा है सीमेंट में, तो उसके द्वारा किया गया सीमेंट पे जो खर्च है वह औसत खर्च के बराबर है। यह उस व्यक्ति ने पांच भागों में खर्च किया था ईंट पे, सीमेंट पे, स्टील पे, लेबर पे और एक्सेट्रा पे, इन पांच भागों पे खर्च किया और औसत खर्च देखा प्रत्येक खर्च के लिए कितना आ रहा था 72 कौन की माप आ रही थी, और हमें यह देखना था 72 किसके बराबर है, 72 किसके बराबर है सीमेंट के बराबर है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या था, पांचवा क्वेश्चन था कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है, कुल खर्च का औसत खर्च जो है एवरेज एक्सपेंस वह किस मद में हुआ है। तो कुल खर्च का औसत खर्च 72 जो आया है वह किस में हुआ है सीमेंट में हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सीमेंट के मद पर किया गया था, जिस ऑप्शन में पहला दूसरा चौथा जिस ऑप्शन में रहे तीसरा वह आपका आंसर आ जाएगा। जहां भी आपके ऑप्शन में सीमेंट लिखा हुआ रहेगा वह आपको दे देना है कि कुल खर्च का औसत खर्च किस मद में हुआ है, तो सीमेंट के मद में खर्च हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यह डीआई तो आपका कंप्लीट हो गया, आज के क्लास में हम डबल डीआई को भी देखेंगे। अगर डबल पाई चार्ट दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक विद्यालय में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा गौर सुनिएगा और कोशिश करिए आप लिखने का, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है, एक स्कूल है जहां टोटल स्टूडेंट 2160 है, जहां टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 2160। देखिए क्वेश्चन, एक विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या 2160 है, निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को दर्शाया गया है, निम्न पाई चार्ट में प्रयुक्त वाहनों द्वारा विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है, इस पाई चार्ट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
एक बार पुनः क्वेश्चन को हम दोहरा रहे हैं। एक विद्यालय में कुल छात्र की संख्या 2160 है। निम्न पाई चार्ट में उन छात्रों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न वाहनों को दर्शाया गया है। इस चार्ट के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले पाई चार्ट में बना दू, पाई चार्ट यहां देखिए। बस, जो छात्र वाहन का प्रयोग करते हैं वह बस, बस के द्वारा कितना 90 डिग्री, बस के लिए अंदर कौन की माप जो है 90 डिग्री का है। रेल, रेल जो है 120 डिग्री, रेल प्रयुक्त करने वाले 120 डिग्री, पैदल 80 डिग्री, पैदल जो है 80 डिग्री है, और कार, कार के लिए कोण का माप ही नहीं दिया गया है। कार के लिए किसी भी कोण का माप नहीं दिया गया है। हमें जो कह रहा है क्वेश्चन, एक बार गौर करिएगा कि एक स्कूल में 160 छात्र हैं। जो छात्र प्रयुक्त द्वारा जो स्कूल आते हैं छात्र, जैसे आप भी अगर पढ़ने के स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, कहीं अगर ट्यूशन जाते हैं, तो आप किसी ना किसी वाहन का प्रयोग करते हैं। वाहन का तात्पर्य या तो आप बस के माध्यम से आते जाते हैं, या आप रेल का सहयोग लेते हैं, या पैदल चलते हैं, या फिर कार के द्वारा आते जाते हैं। तो टोटल 2160 छात्र पर अध्ययन किया गया और देखा गया कि 90 डिग्री का केंद्रीय कोण बना रहा है बस का प्रयोग करने वाले, रेल का प्रयोग करने वाले 120 डिग्री का केंद्रीय कोण का प्रयोग कर रहा है, और पैदल के लिए 80 डिग्री, लेकिन कार के लिए दिया ही नहीं। तो कार का कैसे निकलेगा भाई? पहले मैं कार के घर को निकाल दूं कि कार का प्रयोग करने वाले जो छात्र है वह कितने डिग्री के केंद्रीय कोण का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या का कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़ देंगे 120 प्लस 90 प्लस 80, इन तीनों का प्रयोग करने वालों को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसे हम क्या करेंगे, कुल कोण होता है 360 डिग्री। 360 में से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 360 में से हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। चलिए 360 डिग्री माइनस 0000 लिखिए, 8 9 8 17 17 2 19, 19 का क्या हो गया 9, कैरी क्या बच गए हमारे पास, कैरी जो बच गए वह 1 के बराबर है, कैरी जो है 1 के बराबर है। इसके बाद हमको क्या करना है, 1 1 2। अब 360 में से 290 को घटाएंगे तो मेरे पास कितना डिग्री का कोण आएगा, 70 डिग्री का कोण आएगा। तो चलिए ये जो है हमने ऐड करके निकाल दिया, ये कोण कितने कोण के बराबर हो गया, 70 डिग्री के बराबर। एक बार पूरा देख ले कि हमको क्या करना है, तीनों कोण को आपस में जोड़ना है 120 90 और 80। 120 90 और 80 को क्या किए, जोड़ दिए, और जोड़ने के बाद टोटल 360 में से घटाए, 360 में से 290 डिग्री को घटाए, क्या आया, 70 डिग्री। यानी कार का प्रयोग करने वाले जो है वह इस केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रहा है, 70 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन वाले सेक्शन में आएंगे कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए पहला ही क्वेश्चन जो था हमें कार से रिलेटेड था, क्योंकि केंद्रीय कोण पे क्या कार का माप दिया ही नहीं था, कार का माप। तो जब तक हम कार के द्वारा प्रयुक्त कोण का माप ना निकाल लेते तो हमारे सवाल का जवाब नहीं आता। तो आप एट फर्स्ट ये क्रम जरूर कर ले। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था कि कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट किससे, कार से आने वाले छात्र की संख्या। चलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, कार द्वारा आने वाले छात्र की संख्या कैसे, कौन सा छात्र, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या कितनी होगी। देखिए कार का प्रयोग करने वाले कितने हैं, 70 डिग्री है, तो 70 लिखिए। टोटल केंद्रीय कोण का माप का योग क्या होगा, 360 डिग्री, और टोटल स्टूडेंट जो आपको दिया था वह कितना है, 2160। 2160 स्टूडेंट में से 70/360 भाग किससे आता है, कार से आता है। जिसके बारे में पूछा गया उसे हमने ऊपर लिखा,
जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ये 360 के सापेक्ष में पूछ रहा था, यानी टोटल कैलोरी को 360 और गुना क्या 2160, इसलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए अब जो हम कटता है इसे कटा देंगे, जीरो जीरो आपस में कैंसिल हो गए। चलिए फिर कटाते हैं, 35 × 70, 18 × 36, फिर 18 से कटाते हैं, ये 12 बार में कुल कितने बार में कट जाएगा, 12 बार में, या चाहते तो 36 से डायरेक्ट 6 बार में भी कटा सकते थे। तो अलग अलग कटाने में जो हम समय वेस्ट करते हैं, ये समय बचत होता है और गुना करना भी आसान होता है। चलिए वो भी हम दिखाते हैं कैसे आसान होता है, एक बार पुनः हम इसे कटा के दिखा रहे हैं। कटाना आप पे डिपेंड करता है कैसे आप आसानी से किसी सवाल को सॉल्व कर लेते। तो 70 / 360 गुना क्या 2160, गुना कितना 2160। चलिए अब देखिए, ये जीरो कट गया, 36 × 6 = 216 होता है, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके वही सवाल अब क्या हो गया, आसान हो गया। हम जान गए 360 में 6 से गुना करेंगे तो 2160 आता है। अब जहां कहीं भी से कटाना होगा 6 बार में कटा देंगे। तो कोशिश करना है इस भाग को इस भाग से कटा देने के लिए, जिससे क्या होता है कि आपको आसानी होती है। चलिए अब कट गया 6 बार में, 7 × 42 420। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कार का प्रयोग कर विद्यालय आते हैं, तो कुल छात्र 420 हैं जो विद्यालय कार से आते हैं। तो कार से आने वाले छात्रों की संख्या कितने बराबर हो गई, 420 के बराबर हो गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है हमें, कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। देखिए फिर से रेशियो, पहला क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट निकलवाया, दूसरा क्वेश्चन फिर से मैं रेशियो में ले जा रहा है। हमने कल भी क्लास में बोला था आपको, पिछले क्लास में डीआई में, कि अगर आपको डीआई मजबूत करनी है, अगर डीआई अच्छे से समझना है, अच्छे से सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले एट फर्स्ट अपना रेशियो, परसेंटेज और एवरेज, ये तीन चैप्टर को मजबूत कर ले। जब तक ये तीन चैप्टर आपका मजबूत नहीं होगा, डीआई आपका मजबूत नहीं होगा। तो डीआई मजबूत करने का बेसिक फंडा आपका रेशियो, परसेंटेज, एवरेज मजबूत होना चाहिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किससे आ रहा है, पुनः आ रहा है क्या क्वेश्चन, कार द्वारा और कार द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। तो कार और बस का रेशियो निकालना है, कार रेशियो बस। चलिए कार और बस, कार से कितना मिलेगा, कौन बन रहा है 70 का बन रहा है, और बस का कितना बन रहा है 90 का, 70 रेशियो क्या बन रहा है। तो जब कभी भी रेशियो में जाना हो, पुनः हम दोहरा रहे हैं कि हमें टोटल से कोई लेना देना नहीं है। ये जीरो जीरो आपस में क्या हो गए, कट गए, या क्या आ गया 7 रेशियो कितना, 7 रेशियो कितने आ गए, एकदम आसानी से सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, बेहिचकिचाहट के, बिना किसी हिचकिचाहट के, टोटल अमाउंट से कोई लेना देना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदल चलकर या बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पैदल चलकर या बस द्वारा, या तो छात्र पैदल चलकर विद्यालय आते हैं या बस के द्वारा जो विद्यालय आते हैं, ऐसे कितने छात्र हैं जो पैदल चलकर कितने आते हैं 80 और बस के द्वारा कितने आते हैं 90। तो पैदल प्लस बस, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि पैदल चलकर और बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या कितनी है। तो पैदल और प्लस बस, पैदल और बस मिलाकर पैदल का कितना है 80 और बस का कितना है 90। पैदल का कितना था 80 था और बस का कितना था 90, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए कितना आ गया 170। अगर हम इस दोनों को देखें, एक बड़ा सा कोण बनाएगा, पैदल और बस दोनों मिलकर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 170 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने में, टोटल 360 में से 170, आधा से थोड़ा सा कम, तो 170 दोनों मिलाकर टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, पैदल प्लस बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट में जब चलेंगे 170 कितने में 360 में
और टोटल वैल्यू क्या है 2160। टोटल वैल्यू कितना था 2160। चलिए कटा लीजिए, अभी तुरंत हम बताए थे एक बार अगर इससे कटा लेते हैं तो बार बार कटाने की आपको झंझट नहीं रहेगी। यहां मैंने अभी कटाया था, 6 बार भी ये कट जाता है, सिर्फ मैंने कॉपी पेस्ट किया कि एक बार अगर मैंने कटा लिया तो बस वही चीज को कटाने के लिए बार बार समय को वेस्ट नहीं करना है। अब 17 के टेबल को 6 बार पढ़िए, कितना आएगा 102 और एक जीरो डाल दीजिए, तो 1020 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं पैदल या बस की सहायता से विद्यालय आते हैं। तो कुल स्टूडेंट ऐसे कितने हैं 1020 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो पैदल विद्यालय आते हैं या बस की सहायता से विद्यालय। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, इस डायरी में कहा था कि बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या कितना 90 अपॉन है, और आने वाले छात्र की संख्या पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या, पैदल चलकर विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या जो है पैदल चलकर जो विद्यालय आते हैं उससे कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा जो था वह नंबर ऑफ स्टूडेंट पे था, पहला और तीसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने के लिए था, दूसरा जो था रेशियो में था, और तीसरा आपको पुनः परसेंटेज पे ले जा रहा है कि कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो बस से विद्यालय आने किससे अधिक, पैदल वाले से अधिक। तो हमें क्वेश्चन क्या था, बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या पैदल विद्यालय आने वाले छात्र से कितना अधिक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट निकालना है। क्या परसेंट में निकालना है कि बस में जो आ रहे हैं बस में कितना आ रहे हैं 90 आ रहे हैं, अगर तो पैदल कितना आ रहे हैं 80 आ रहे हैं। तो बस में 90 डिग्री का कोण बनाता है, पैदल 80 डिग्री का कोण बनाता है। तो जब भी परसेंट में ले जाना है तो हमें टोटल के पास नहीं जाना है, टोटल 160 का कोई इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ देखना है कितना कोण ज्यादा, कितना डिग्री का कोण ज्यादा बना रहा है, 10 डिग्री का ज्यादा बना रहा है। 90 जो 80 से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 80 से ज्यादा है। परसेंट लाने के लिए क्या करना है 180 मल्टीप्लाई कर। देखिए टोटल स्टूडेंट आप पूछ रहा था कि क्वेश्चन आपको पुनः पढ़ रहे हैं कि बस द्वारा विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या पैदल विद्यालय आने वाले छात्र की संख्या से कितने परसेंट अधिक, कितना प्रतिशत अधिक, छात्र कितना अधिक है ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो जब परसेंट में आंसर देना है तो टोटल नंबर से मैं कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिख दिए 10 डिग्री का कोण ज्यादा है, किससे 80 से। परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए कटा दीजिए, 0 0 कट गया, 4 × 8 = 25 अर्थात 12.5% छात्र अधिक है। कितना परसेंट छात्र अधिक है 12.5% अधिक छात्र विद्यालय आते हैं बस से, किससे पैदल वालों से। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर दो फिगर का क्वेश्चन रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे डीआई, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं। आज हम डिग्री वाले टोटल टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे और कल के क्लास में हम लोग आएंगे परसेंटेज में जो दिया हुआ रहेगा उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के क्वेश्चन को फिर हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 1800 छात्र हैं। देखिए एक विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं 1800 छात्र हैं, जिनमें 720 लड़कियां हैं। एक विद्यालय में टोटल 1800 छात्र हैं जिनमें 720 लड़कियां हैं। तो देखिए टोटल स्टूडेंट हम लिख देते हैं, विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 1800 है जिसमें गर्ल्स जो है वह कितना है 720 है। 720 है। छात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा का, छात्रों द्वारा प्रयुक्त भाषा का केंद्रीय कौन की माप निम्नलिखित है। तो चलिए छात्र जो प्रयोग करते हैं उनके द्वारा पाई चार्ट हम बना लेते हैं। ये टोटल स्टूडेंट जो भाषा का लैंग्वेज प्रयोग करते हैं, टोटल टोटल स्टूडेंट इसमें कितना दिया हुआ था 1800,
इन किन का किन का प्रयोग करते हैं देख लेते हैं। ये छात्र जो प्रयोग करते हैं हिंदी 90 डिग्री, हिंदी 90 डिग्री 90, इसके बाद बंगाली 54, बंगाली 54, तेलुगु 45, तेलुगु 45, इसके बाद इंग्लिश 72, इंग्लिश 72 डिग्री, इंग्लिश के बाद स्पेनिश 63 डिग्री और फ्रेंच 36 डिग्री, फ्रेंच 36 डिग्री और स्पेनिश 63 डिग्री। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यालय में कुल 1800 छात्र हैं, कुल कितने छात्र हैं 1800 हैं, जिनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं के द्वारा बनाए केंद्र कौन की मांग, यानी पाई चार्ट के द्वारा अगर इंडिकेट करते हैं, अगर इस विद्यालय में अगर छात्र अलग अलग भाषा बोलते हैं तो हिंदी बोलने वाले 90 डिग्री का हो जाएगा, बंगाली बोलने वाले 54, तेलुगु बोलने वाले 45, इंग्लिश बोलने वाले 72, स्पेनिश बोलने वाले 63 और फ्रेंच बोलने वाले 36। अब जैसे कि आप जाते हैं कहीं और वहां देखते हैं, अध्ययन करते हैं कि यहाँ जो व्यक्ति है किन भाषाओं का प्रयोग कर रहा है, तो उस विद्यालय में जो था सबसे ज्यादा 90 डिग्री का कौन बना रहा था, केवल हिंदी बोलने वाले, इसके बाद बंगाली बोलने वाले 54 डिग्री का कौन बना रहा था, तेलुगु बोलने वाले 45 डिग्री का कौन बना रहा था, इंग्लिश बोलने वाले 72 डिग्री का कौन बना रहा था, स्पेनिश बोलने वाले 63 का और फ्रेंच बोलने वाले 36 का। अब ये टोटल स्टूडेंट का था। अब इनमें से लड़कियों पर जब अध्ययन किया गया तो देखा क्या गया, लड़कियां जो है टोटल 720 है, गर्ल्स कितने हैं यहाँ 720। अब बैक पढ़ के अलग अलग देखा गया, लड़कों को अलग देखा गया और लड़कियों को अलग। लड़कियों को देखा गया तो हिंदी बोलने वाले के द्वारा केंद्र कौन जो बन रहा था वह 81 डिग्री था, हिंदी के लिए कितना था 81 डिग्री का, हिंदी बोलने वाले लड़कियों के द्वारा बना केंद्रीय कोण का मान कितना था 81 डिग्री, बंगाली के लिए 63 डिग्री, बंगाली के लिए 63 डिग्री, बंगाली 63 डिग्री, तेलुगु 72 डिग्री, तेलुगु 72 डिग्री, इंग्लिश 90 डिग्री, इंग्लिश 90 डिग्री, स्पेनिश 36 और फ्रेंच 18। फ्रेंच 18 और स्पेनिश 36। अब देखिए लड़की पे जब अध्ययन किया गया तो क्या देखा गया, हिंदी 81 डिग्री का बना रहा है, बंगाली 63 का, तेलुगु 72 का, इंग्लिश 90 का, स्पेनिश 36 का और फ्रेंच 18 डिग्री का, और टोटल गर्ल्स कितना दिया हुआ है 720। कभी कभी जब एग्जाम में आप जाइएगा तो आपका जो क्वेश्चन डीआई से रिलेटेड रहता है वो एक फिगर के बदले में दो फिगर दिया हुआ रहता है, जो अलग अलग चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करने का मतलब है कि यहाँ देखिए जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि एक विद्यालय में गया, वहां टोटल स्टूडेंट देखे तो कुल कितना स्टूडेंट था 1800 टोटल स्टूडेंट था, जिनमें पूछा गया आप किस भाषा का लैंग्वेज का प्रयोग करते, से हम जो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं आप लोगों के बीच या हिंदी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कुछ स्टूडेंट फ्रेंच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, कुछ स्पेनिश करते हैं, कुछ तेलुगु करते हैं, कुछ बंगाली करते हैं। तो यहाँ देखा गया टोटल स्टूडेंट जो 1800 है इनमें हिंदी 90 डिग्री का, कौन जब केंद्र कौन बनाए स्टैटिस्टिक्स बनाए सांख्यिकी रूप से इसे इंडिकेट किए तो 90 डिग्री का भाग दिया, 1/4 भाग जो था हिंदी बोलने वाले का था, और फिर बंगाली का 54, तेलुगु का 45, इंग्लिश का 72, स्पेनिश का 63 और फ्रेंच का 36।
अब ये टोटल स्टेट में था। अब जब लड़कियां देखी गई तो लड़कियां टोटल विश्वविद्यालय में कितनी थी, 720 थी। तो 720 लड़कियों का अध्ययन किया गया। इसमें क्या देखा गया कि हिंदी बोलने वाले 81 डिग्री का कोण बना रही है, बंगाली 63, तेलुगु 72, इंग्लिश 90 और स्पेनिश 36 और फ्रेंच क्या 18 डिग्री। अब दो फिगर के आधार पे आपको क्या करना है, डीआई के क्वेश्चन का जवाब देना है। अब जो क्वेश्चन आएगा इन दोनों फिगर से रिलेटेड हो सकता है या सिंगल फिगर से रिलेटेड हो सकता है। इन दो फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हमने तैयार किया है, इन क्वेश्चन को आप लोगों के बीच रखने हैं और इसे क्या करना, एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि बताएं कि हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, और हिंदी बोलने वाले छात्र का अर्थ यहां तात्पर्य ला रहे हैं, हिंदी बोलने वाले छात्र बोलेंगे तो आप यहां से बोलिएगा नहीं, हम पुनः क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, वह लड़के कितने हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, नंबर ऑफ बॉयज, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बॉयज जो क्या करते हैं हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट पहले देखेंगे हिंदी बोलने वाले कुल कितने स्टूडेंट हैं, हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बॉय का संख्या निकालना है, कौन सा लड़का, हिंदी बोलने वाले, हिंदी में बात करने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। पहला क्वेश्चन हमारा है हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, तो टोटल हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट, टोटल हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट, स्टूडेंट टोटल स्टूडेंट कौन सा, हिंदी बोलने वाले टोटल स्टूडेंट निकाल देते हैं। टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का केंद्र कोण बना रहा है, कितने में, 360 में, और टोटल स्टूडेंट है कितना, 1890/360 गुना क्या लिख देंगे, 1890/360 गुना क्या, 1800। चलिए कटता है तो आप इसे कटा दीजिए, देखिए इसी को, इस भाग को ही हम पहले कटाते हैं, इसलिए कटाते हैं कि बाद में जो है कटाना हमको क्या होगा आसान होगा। देखिए पांच बार में ये कट रहा है, 9×45 कितना हो गया, 450। अब टोटल 1800 स्टूडेंट में से 450 स्टूडेंट हिंदी बोलते हैं। अब इनमें से कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, टोटल गर्ल्स, टोटल गर्ल्स कौन सी, हिंदी बोलने वाली कुल कितनी लड़कियां हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। तो टोटल स्टूडेंट यानी टोटल जो छात्र है उनमें से अगर लड़की की संख्या को घटाते हैं तो हमें हिंदी बोलने वाले क्या मिल जाएंगे, लड़की की संख्या मिल जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट हिंदी बोलने वाले 450 थे, इसमें लड़कियां कितनी थी, देखिए लड़की के लिए केंद्रीय कोण कितना है, 81, कितने में, टोटल ये कितना होगा, ये 360 गुना क्या, 720। चलिए कटा दीजिए, दो बार में कट गया, 2×1 = 2, 8×2 = 16, 162 लड़कियां ऐसी है जो हिंदी भाषा का प्रयोग करती है। टोटल 450 छात्र हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिनमें 162 लड़कियां हिंदी भाषा का प्रयोग करती है, तो कितने लड़के हैं टोटल बॉय, टोटल बॉय कौन, हिंदी बोलने वाले लड़के, कितने लड़के हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं टोटल कितने लड़के हैं, 450 में से 162 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, क्या किए, 450 में से 162 को घटाए, तो 450 में से 162 को आप घटा लीजिए, देखिए क्या आता है, 2, 0, 0 में से 2 घटेगा नहीं, 10 में से 2 गया, क्या बच गया, 8, ये बचे 4, 4 में 6 नहीं घटेगा, एक के लिए 14, 14 में से 6 गया, फिर क्या बच गया, 8 हमारे पास, 3 में से गया 2, तो 288 लड़के ऐसे हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है, डबल डी आई, डबल पिक्चर डबल पाई चार्ट के आधार पे सवाल का जवाब देना। जब तक हम दोनों पाई चार्ट का अलग अलग अध्ययन ना कर लें तो एक नया क्वेश्चन का आंसर तैयार नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पुनः, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बंगाली भाषा, बंगाली बोलने वाले लड़के तथा बंगाली बोलने वाले लड़के तथा बंगाली बोलने वाले लड़के तथा
अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों का अनुपात क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या है, बंगाली बोलने वाले लड़के और अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों के बीच अनुपात क्या है? तो बंगाली बोलने वाले पहले बॉय चाहिए हमें, बंगाली बोलने वाले कौन सा चाहिए? बॉय। बॉय कैसे? ऐसे लड़के चाहिए जो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बंगाली का। गर्ल्स कौन सा? गर्ल्स जो क्या भाषा का प्रयोग करते हैं? इंग्लिश का। इन दोनों का हमें रेशियो चाहिए। देखिए दो प्रकार का हमें रेशियो चाहिए यहाँ, इन दो भाषा का जो प्रयोग करता है, बंगाली बोलने वाले लड़के चाहिए और इंग्लिश बोलने वाली लड़कियां, दोनों के संख्या का रेशियो हमें चाहिए। तो पहले तो गर्ल्स जो है आसानी से आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ लड़के के लिए हमें क्या करना होगा? निकालना होगा। जिस तरह से हमने हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या निकाला था, जस्ट इसी टाइप से मैं बंगाली बोलने वाली लड़कियों लड़कों की संख्या को निकालूंगा। तो चलिए बंगाली बोलने वाले लड़कों की संख्या कैसे निकलेगा? डायरेक्ट निकालेंगे नंबर ऑफ बॉय, नंबर ऑफ बॉय कौन सा? बंगाली बोलने वाले। तो टोटल स्टूडेंट देखिए बंगाली के लिए कितना डिग्री का कोण है? 54। कितने में? 360 मल्टीप्लाई किया 1800। एक साथ हम करने का कोशिश करेंगे, इसमें से बंगाली बोलने वाले लड़कियों की संख्या को घटाएंगे 63 बाय कितना? टोटल 360 गुने क्या? 720। अब इससे क्या होगा, कुछ पहले से हम फास्ट हो जाएंगे, बनाना आसान हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे तो हमें समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो अब पहले से थोड़े से गति को हमें बढ़ानी है। चलिए हमने अभी इसे जस्ट घटाया था 5 times से और इसे 2 times, 4 × 5 = 20, 20 का 0 कैरी रह गया, 2 × 5 = 25, 2 × 27, 270 में से कितना घटाएंगे? 3 × 6 = 6, 6 × 12, 126 को क्या करेंगे हम? घटा देंगे। 10 में से 6 गया, क्या बच गया? 4, और ये बचा 6, 6 में से 2 गया, क्या बच गया हमारे पास? 4, और फिर 2 में से गया 144 स्टूडेंट ऐसे हैं, 144 लड़के कह सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट नहीं कहेंगे हम, लड़के कहेंगे, 144 ऐसे लड़के हैं जो किसका प्रयोग करते हैं? बंगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं बंगाली भाषा का प्रयोग करने वाले लड़के का संख्या निकल गया 144, और दूसरा था गर्ल्स कौन सा? इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या। इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या तो सिर्फ एक फिगर से ही हमारा निकल जाएगा, इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या। इंग्लिश बोलने वाली कौन सी? गर्ल्स ना, गर्ल्स। चलिए इंग्लिश बोलने वाली लड़की 90, कुल कितने में? 360 गुने क्या? 720। 180 लड़कियां ऐसी है जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करती है। तो गर्ल्स की जगह पे यहाँ क्या लिख देंगे हम? 180 कैसी लड़कियां जो इंग्लिश भाषा का प्रयोग करती है। अब करता है तो आप कटा दीजिए, देखिए चलिए कटा दीजिए, 36 × 144 और 36 × 5 = 180, अर्थात क्या हो गया? 4:5। अगर आप बड़े अंकों से नहीं कटा सकते हैं तो छोटे छोटे अंकों से अवश्य कटा सकते हैं, 2 से 4 से 5 से, जिस संख्या से आपका कटे, 3 से 5 से, तो ये नहीं कटेगा 144, तो जिस संख्या से आपका कटे उस संख्या से आप कटाइए और फिर रेशियो में डालिए। तो इसका रेशियो क्या आ गया? 4:5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है? स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या, स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या, लड़कियां कौन सी? स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या, स्पेनिश बोलने वाले लड़कों की संख्या का कितना परसेंट है? स्पेनिश कौन सा? बॉयज। बॉयज में कौन सा बॉय चाहिए भाई? हमें स्पेनिश बोलने वाले चाहिए। स्पेनिश बोलने वाले लड़कों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज की संख्या का कितना परसेंट है? तो पहले नंबर तो निकलेगा तब परसेंट मिलेगी, क्योंकि डबल डी आई है, हम डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ हमें निकालना ही अभी पड़ेगा, और दोनों का संख्या भी क्या है? अलग अलग है। अगर सेम संख्या रहता तो कोई बात नहीं।
चलिए तो पहले स्पेनिश बोलने वाली लड़कियां कितनी है भाई, स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या देखिए, स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या गर्ल्स कौन सा चाहिए, स्पेनिश बोलने वाली लड़कियां कितना डिग्री का कैंडिडेट कौन है 36, कितने में 360 गुने क्या 720, स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या जो है 72 है, और बॉयज कितने हैं जो स्पेनिश भाषा का प्रयोग करते हैं, कैंडिडेट कौन कितना है 63, टोटल स्टूडेंट निकालेंगे, टोटल स्टूडेंट कौन सा स्पेनिश बोलने वाले कितने हो जाएंगे 63 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई क्या 720 नहीं, टोटल स्टूडेंट को यहां 1800 है, 1800 देना होगा, 720 तो लड़कियां थी, 1800 कटाइए 5 बार में, 5 दिया 15, 6 पंचे 30 से 33, 315 स्टूडेंट टोटल स्पेनिश भाषा का प्रयोग करते हैं, तो जिसमें लड़के कितने हो जाएंगे, बॉयज निकालेंगे स्पेनिश बोलने वाले 315 में लड़कियां हमने अभी 72 निकाला है, 72 पांच में से दो घटा दीजिए, पांच में दो घटेगा तो बचेगा हमारे पास 3, और फिर एक में से सात घटेगा नहीं कह लीजिए, 11 में से 7 जब घटाइएगा तो बच जाएगा 4 और ये बच गए तो 243, स्पेनिश बोलने वाले लड़के जो थे वह 243 है 243, एक बार और देख लीजिए 3 2 5 7 4 11 2 1 3 243। चलिए हमें क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितने प्रतिशत है, तो स्पेनिश बोलने वाली लड़कियों की संख्या किसके रिस्पेक्ट में, लड़कों के रिस्पेक्ट में कितना है, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स लड़कियों का प्रतिशत, चलिए परसेंटेज में डालने के लिए हमें क्या करना होगा, लड़कियों का परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स किसके रिस्पेक्ट में, बॉय के रिस्पेक्ट में 72 लड़कियां स्पेनिश भाषा का प्रयोग कर रही है, 243 टोटल में नहीं पूछ रहा है मैं, लड़के के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो 72 कितने के रिस्पेक्ट में 243% लाने के लिए हमें क्या करना होगा 100 से अब कटता है तो आप इसे क्या करिए कटा दीजिए, निश्चित रूप से कटेगा 9 से कटेगा 9 8 72 9 से कटाइए 9 2 18 18 6 24 9 7 3 तो कितना हो गया 800 बटे कितना 27%, कितना परसेंट 800 बटे 27%, अब इसे हम पूर्णांक में डाल दें और पूर्णांक में डाल के इसे क्या करेंगे लिख सकते, तो ऐसे कितना हो जाएगा 800 बटे 27% जो है लड़कियां हैं जो किस भाषा का प्रयोग करती है, सॉरी भाषा का प्रयोग नहीं कहेंगे, 800 बटे 27% लड़कियां हैं किसके रिस्पेक्ट में, लड़कों के रिस्पेक्ट में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे हम देखेंगे, अभी हम डबल फिगर पे चल रहे हैं और डबल फिगर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यह है तेलुगु बोलने वाली लड़कियां, तेलुगु बोलने वाली लड़कियां, तेलुगु बोलने वाली लड़कियां तथा हिंदी बोलने वाली लड़कियों के बीच अनुपात क्या है, तेलुगु बोलने वाली लड़कियां तथा हिंदी बोलने वाली लड़कियों के बीच अनुपात क्या है, तो यहां देखिए कि एक ही फिगर से हमारा बन जाएगा कि तेलुगु बोलने वाली लड़कियां रेशियो हिंदी बोलने वाली लड़कियां, इसे हम लड़कों से या टोटल स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है, तेलुगु बोलने वाली लड़कियां के लिए कितना लिखेंगे 72 और हिंदी बोलने वाली लड़कियां के लिए कितना लिखेंगे 81। हमारा जो सवाल था सिर्फ और सिर्फ सिंगल फिगर से था कि तेलुगु बोलने वाली लड़कियां और हिंदी बोलने वाले लड़कों के बीच अनुपात क्या है, तो 72 रेशियो क्या 80, अब कटता है तो आप इसे क्या करिए एट रेशियो नाइन, कितना आ जाएगा भाई 8:9, तेलुगु बोलने वाली लड़कियां तथा लड़कों के बीच जो अनुपात था वह कितना था 8:9 का था। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन बताएं कि इंग्लिश बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, इंग्लिश बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है, तो हमें क्वेश्चन क्या है
इंग्लिश बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, कुल छात्रों का कितना परसेंट है, दोनों का देखिए, इंग्लिश बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश बोलने वाले लड़के कितने हैं, बॉयज कौन से इंग्लिश बोलने वाले। तो पहले टोटल निकाल लेते हैं, बॉयज इंग्लिश बोलने वाले कितने हो जाएंगे, इंग्लिश के लिए 72 डिग्री का केंद्र कोण है, देखिए इंग्लिश बोलने वाले के लिए केंद्र कोण का माप कितना है, 72 है, हमने यहां 72 लिखा, कितने में 360, और टोटल स्टूडेंट कितना है 1800, यहां भी 1800 मैंने लिख के रखा था, गुना क्या 1800 में से लड़कियों की संख्या को घटाएंगे, लड़कियों के लिए केंद्र कोण कितना था 90/360 मल्टीप्लाई 720 क्या है लड़कियों की संख्या। अब इसे कटा दीजिए, ये 5 बार और ये 2 बार, 5 दूनी 10, 7 बचे 35, 36 360, 9 दूनी 18 180। तो कितने लड़के हैं, 180 लड़के हैं टोटल इंग्लिश बोलने वाले जो लड़के हैं 180। और क्वेश्चन क्या है कि बताएं कि इंग्लिश बोलने वाले छात्रों का कुल विद्यार्थियों की संख्या, इंग्लिश बोलने वाले लड़कों का कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना परसेंट है। अब यहाँ छात्र बोलेंगे तो छात्र यहाँ जो हमें लड़का लड़की मिला के दिया हुआ था, छात्र लड़का लड़की भी, तो हमें क्या था अलग बाइफरकेट करना था। क्वेश्चन क्या था, इंग्लिश बोलने वाले लड़कों की संख्या कुल छात्रों का कितना परसेंट है, परसेंटेज ऑफ बॉयज। देखिए क्वेश्चन वहां अलग अलग है, एकदम क्लियर कर रहा है, वह जो हमें लड़का चाहिए परसेंटेज में वह टोटल स्टूडेंट का चाहिए, टोटल स्टूडेंट कितना है भाई 1800 डिवाइड बाय क्या लिखना है हमें 1800, परसेंट लाने के लिए हमें 100 से क्या करना होगा मल्टीप्लाई, 00000 कट गए 10 बार में, कुल कितना परसेंट हो गया 10%। तो डबल टीआई से जो क्वेश्चन आता है, डबल फिगर से जो क्वेश्चन आता है, उसे भी आप आसानी से अलग अलग बैकफर्केट सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का डीआई में डिग्री वाले में परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट डीआई जो हमारा आएगा वह परसेंटेज से रिलेटेड होगा। चलिए एक क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे डीआई का, और फिर कल जो हम देखेंगे डीआई में वह परसेंटेज वाले भाग को देखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डीआई का। देखिए संयोग है इस बार जो क्वेश्चन है बहुत कम है इस डीआई में। क्वेश्चन क्या है, इस वृत्त आरेख द्वारा किसी देश में प्रति 1000 करोड़ रुपये, इस वृत्त आरेख द्वारा किसी देश में प्रति 1000 करोड़ रुपये का विभिन्न सेक्टर में आवंटन दर्शाया गया है, विभिन्न सेक्टर में आवंटन दर्शाया गया है। चलिए तो बताएं कि इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उसे हमें देखना है, किन किन सेक्टर में आवंटन है पहले वो देख लेते हैं। चलिए पहला जो है एजुकेशन, टोटल जो है इस देश का टोटल कितना दिया हुआ 1000 करोड़ रुपये, 1000 करोड़ रुपये किसमें करोड़। अब 1000 करोड़ रुपये से एजुकेशन में यह जो खर्च करता है वह 90 डिग्री, इसके बाद रक्षा में जो खर्च करता है वह 72 डिग्री, रक्षा में क्या गया खर्च 72 डिग्री, प्रौद्योगिकी में जो इसके द्वारा किया गया खर्च है वह 54 डिग्री, प्रौद्योगिकी में कितना है 44 है, उद्योग इंडस्ट्री में 18 डिग्री, कृषि में 72 डिग्री, एग्रीकल्चर में 72 डिग्री, एक्सेट्रा में 54 डिग्री। चलिए ये आईटी सेक्टर 54 डिग्री। चलिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन, इस वृत्त आरेख द्वारा किसी देश में प्रति 1000 करोड़ रुपये का विभिन्न सेक्टर में आवंटन को दर्शाया गया है, तो बताएं कि कृषि सेक्टर पर व्यय क्या है,
कृषि सेक्टर पे देखिए एग्रीकल्चर पे कितना है 72 डी। तो कृषि सेक्टर पे जो है वह 72 है, एग्रीकल्चर पे कितना पूछ रहा है, एग्रीकल्चर का पूछा है, एग्रीकल्चर पे 72 कितने में 360 और टोटल इनकम क्या 1000, हमें यही पूछा गया था टोटल का एग्रीकल्चर में कितना है 300। अब कटता है तो घटा दीजिए, अर्थात इस देश में प्रत्येक 1000 करोड़ पर 200 करोड़ रुपए, सॉरी 200 लिखना चाहिए था, प्रति 200 करोड़ रुपए ये कहां खर्च कर रहा है, करोड़ रुपए ये कहां खर्च कर रहा है, एग्रीकल्चर।